बात करेंगे आप छत्तीसगढ़ की। रायपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां अनुशासनहीनता पर कांग्रेस सख्त दिखाई दे रही है। पार्टी विरोधी बयान देने पर कार्रवाई होगी। पार्टी लाइन से हटकर कार्य करने वालों पर भी सख्ती दिखाई जाएगी। पोस्ट के साथ प्रोटोकॉल पर भी नजर रहेगी। संगठन अब अनुशासन पर ध्यान दे रहा है। जिलाध्यक्षों को सूची बनाने के निर्देश दिए गए हैं। यानी गलत बयानबाजी पर अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस सख्ती से कार्यकर्ताओं नेताओं पर कार्रवाई करेगी। जिन बयानों में पार्टी प्रोटोकॉल से हटकर बातें होंगी या फिर जिन बयानों में पार्टी लाइन से हटकर कोई भी नेता कार्यकर्ता पार्टी के खिलाफ या विरोध में जाकर बात करता है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो रायपुर से खबर, जहां अनुशासनहीनता पर अब कांग्रेस सख्त दिखाई दे रही है। पार्टी विरोधी बयान देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पार्टी लाइन से हटकर जो काम कर रहे हैं उन पर अब सख्त दिखाई दे रही है कांग्रेस। नदीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर पर जानकारी के लिए। कई सारी ऐसी पार्टियां हैं, इवन हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की, पार्टी लाइन से हटकर कई सारे बयान सामने आ जाते हैं, और फिर चाहे वो ट्विटर के माध्यम से ही क्यों ना हो, उसके बाद पार्टी या फिर दलों को सफाई देनी पड़ती है। अब ऐसे में कांग्रेस की सख्ती कितना सुधार कर पाएगी ऐसे लोगों को जो खासतौर पर पब्लिसिटी के लिए कई बार ट्विटर के जरिए ही बयान छेड़ देते हैं। पारुल, आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव के नजदीक आती हुई पार्टियां अब सुस्ती भी नजर आ रही है। बीजेपी अपने स्तर पर जो है अनुशासन को लेकर के सजग नजर आ रही है, वहीं अब कांग्रेस में भी संगठनात्मक रूप से जो है सख्ती का डंडा जो है वो यहां पर चलाना शुरू कर दिया है। पारुल, आपको बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया हो या पार्टी विरोधी गतिविधियां हो, संगठन अब अनुशासन पर जो कार्यकर्ता नेता जो लोग अनुशासन तक कर रहे हैं उन पर अब कार्यवाही का डंडा यहाँ पर चलने वाला है। संगठन जो है वो सख्त होने वाली है, क्योंकि आने वाला समय चुनाव का है और कोई भी ऐसी कार्यगुजारी संगठन नहीं करना चाहता अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, अपने नेताओं के जरिए, जिससे सत्ता और संगठन को नुकसान उठाना पड़े, जिसके सोशल मीडिया हो या क्या बोलते हैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रोटोकॉल के उल्लंघन की बात हो या जो है पार्टी गतिविधियों की बात हो, क्योंकि अभी हाल ही में निगम आयोग मंडल के जो है लिस्ट आई और उसके बाद से सोशल मीडिया में जो है काफी तरह की बातें जो है कार्यकर्ताओं के तरफ से कांग्रेस नेताओं की तरफ से लिखी जाने लगी, जिसके बाद कांग्रेस संगठन अब कहीं ना कहीं सख्त होता हुआ नजर आ रहा है पारुल। और यही वजह है कि अनुशासनहीनता पर अब संगठन जो है वो कड़ी कार्रवाई यहाँ पर करेगा। संगठन लगातार पार्टी विरोधी बयान देने वालों पर भी कार्रवाई करेगा। संगठन के तरफ से जो है जिला अध्यक्षों को इसकी सूची बनाने का निर्देश दिया गया है, ब्लॉक स्तर के हो या जिला स्तर की, ये तमाम लोगों पर सख्ती से नजर रखने के लिए कहा गया है। साथ ही जो है जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं या लिख रहे हैं सोशल मीडिया में हो या किसी मीडिया के जरिए, उन लोगों पर कांग्रेस अब सख्त यहाँ पर नजर आ रहा है। और यही है कि अब जो इस तरह का पार्टी गतिविधियों पे नजर आएगा, सोशल मीडिया हो या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रोटोकॉल का उल्लंघन का मामला हो, अब उस पर संगठन जो है अनुशासन
कार्यवाही जो है करने का निर्देश यहाँ पर दिया है। तो पारू कुल मिला के देखा जाए तो संगठन अब जो है सख्त नजर आ रहा है, पार्टी विरोधी कार्य हो या सोशल मीडिया पर पार्टी या सत्ता हो या संगठन उसके खिलाफ या नेताओं के खिलाफ दिखने वाले बयान हो, ऐसे पर जो है अब यहाँ पर सख्ती का डंडा जो है संगठन चलाने वाला है। पारू बिल्कुल लौटूंगी नदीम आपके पास। तो सख्ती अब संगठन करने वाला है और इससे कई ऐसे नेताओं को, कई कार्यकर्ताओं को सबक मिलेगा जो पार्टी में तो हैं, ठप्पा उनके पास कांग्रेस का है, लेकिन वो पार्टी के इतर जाकर, पार्टी की गाइडलाइन से दूर जाकर बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं जो पार्टी के विरोध में हो जाती है, तो फिर दलों को सफाइयां देनी पड़ती हैं। बहरहाल